बस मैं इनको बताता हूँ आपको किस टाइप से दौड़ना है और कितना मेहनत करना है, कैसे आपको हाई लगाना है, कैसे आपको लॉन्ग लगाना है, कैसे आपको शॉर्ट पुट लगाना है। मैं एक तरीका बताता हूँ और मैं सभी को अपना छोटा भाई तरह के मान के मैं उसको सिखाता हूँ। ऐसे भी बच्चे मेरे पास हैं जो कुछ गरीब हैं, मैं उनसे फीस नहीं लेता हूँ और जहाँ तक होता है मैं उनको सपोर्ट भी करता हूँ। कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में लड़कियाँ जो है वो लड़के के अपेक्षा आगे आ रहे हैं। अभी भी आपने देखा होगा अभी कल का परसों का रिजल्ट में लड़कियाँ आगे आ गई है, कि हर अपेक्षा लगभग लड़कियाँ हैं जो अच्छी मेहनत कर रही है और अच्छा रिजल्ट देंगे इस बार। आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स, मैं हूं आपके साथ रोहित। इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के मेंदुलकर स्टेडियम में। आप मेरे पीछे ये जो भीड़ देख रहे हैं ये दरोगा फिजिकल के अभ्यर्थी हैं, जो कि इन लोगों का दरोगा फिजिकल का एग्जाम फिजिकल टेस्ट होने वाला, ये लोग पूरी तरह से अपनी तैयारी में लगे हैं। आइए कुछ अभ्यर्थी हम उनसे बातें करते हैं, इन लोग की तैयारी कैसी चल रही है। क्या नाम है आपका? थोड़ा सा खड़ा हो जाइएगा। डॉली कुमारी। कहाँ से आती है आप? हम भागलपुर से आए हैं तैयारी करने के लिए पटना आए हैं। अच्छा, कितने दिनों से ये आप लोग का ट्रेनिंग चल रहा है फिजिकल का? मेरा तो लगभग 20-25 दिन। अच्छा, कैसा मतलब 20-25 दिन में कैसा हुआ? हो गया मेरा लगभग कंप्लीट सब कुछ। कै तारीख को आपका है टेस्ट? मेरा 21 को है। तो क्या लगता है टेस्ट में दरोगा बन पाइएगा, स्टार मिलेगा? हो जाएगा। हो जाएगा, पूरे जोश में लग रही हैं। हो जाएगा, हो जाएगा। अच्छा ये बताइए, इतना मतलब दरोगा फिजिकल तक पहुँची है, पीटी का एग्ज़ाम भी निकाली है, मेंस भी निकाली, कितना पढ़ाई करना पड़ता होगा? ऐसे तो हम लगभग 10 से 12 घंटा पढ़ते थे। 10 से 12 घंटा पढ़ने के बाद दरोगा निकल रहा है? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, हमको इंटरेस्ट है पढ़ाई में तो हम पढ़ते हैं। अच्छा, आइए कुछ स्टूडेंट भी हम उनसे ही बातें करें। क्या नाम है आपका? सुमन कुमार। कहाँ के रहने वाले? सहरसा। सहरसा के रहने वाले? यस सर। अच्छा, यहाँ पे कई दिन से चल रहा है? चल तो रहा है पहले से, लेकिन मैं 12-14 दिन पहले आया हूँ यहाँ पे, चूँकि 12-14 छुट्टी में। क्या कहीं जॉब वॉब करते हैं क्या? यस सर, रेलवे में जॉब करता हूँ, सो छुट्टी लेके आए हैं 12-14 दिन पहले यहाँ पे। अच्छा, रेलवे में किस चीज़ में जॉब करते हैं? रेलवे ग्रुप डी में ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में गेटमैन के रूप में कार्यरत हूँ अभी। अच्छा, गेटमैन का जॉब करते हैं रेलवे डिपार्टमेंट में? यस सर। उसके बाद भी दरोगा का एग्ज़ाम निकाले हैं? यस सर। यहाँ पे आए हैं ट्रेनिंग कर रहे हैं, क्या लगता है स्टार मिल पाएगी? कोशिश तो भरपूर करेंगे अब आगे जो हो। अच्छा, आप ट्रेडमैन का नौकरी करते हुए कितना देर पढ़ाई करते थे दरोगा? कभी पढ़ाई तो 3-4 घंटा ही कर पाते थे, क्योंकि पहले से पढ़ाई करते थे तो पहले से जो पढ़ा हुआ था तो वो हेल्पफुल था, अदरवाइज 3-4 घंटा पढ़ते थे इसके लिए। अच्छा, तो ये बताइए कि मतलब आइए आप लोग जो अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं जो अभी, तो ये सुबह में ही होता है या शाम में? ये सुबह शाम दोनों टाइम होता है, सुबह में रेगुलर होता है, शाम को भी सर बुलाते हैं। कितना कितना देर चलता है? ऑलमोस्ट 2 घंटा चलता है ग्राउंड पे, उसके बाद 2 घंटा। यस सर। क्या लगता है स्टार मिलेगा? कोशिश तो भरपूर करेंगे, मिलना चाहिए। अब देखिए, नौकरी छोड़ के आए, छुट्टी लेकर आए, छुट्टी लेकर आए, छोड़े तो नहीं है अभी, तो मिलेगा जी, कोशिश तो कर रहे हैं उसके लिए अब जो। अच्छा, आइए कुछ और लोग उनसे ही बात देखा। क्या नाम है आपका? पंकज कुमार। कहाँ करने वाले? फुलपरा से, मधुबनी। मधुबनी जी। यहाँ पे दरोगा फिजिकल का ट्रेनिंग कर रहे हैं जी, मतलब दौड़ आप कर रहे हैं फील्ड में जी? ठीक है, कितना घंटा ये सब करते हैं? 2-2.5 घंटा। 2-2.5 घंटा जी। अच्छा, शाम में भी या सुबह में? सिर्फ सुबह में, हम लोग का पढ़ाई भी रहता है तो उसके पढ़ाई भी देखना पड़ता है। अच्छा, ये बताइए दरोगा का पीटी एग्जाम भी निकाले हैं, मेंस भी निकाले हैं, उसके बाद फिजिकल में कितना पढ़ना पड़ता होगा? 4-5 घंटा रेगुलर। अच्छा सर, आपके कैसे, ये बताइए कैसे ट्रेन करते हैं आप लोगों को? सर मतलब अपने जैसे, मतलब जैसे खुद दौड़ते हैं बच्चे भी वैसे, मतलब पहले खुद करके दिखाते हैं इसके, इसलिए हम लोगों को बहुत हेल्प मिलता है दौड़ने में। सर पे पूरा भरोसा है ना? सर पे भरोसा है। क्या लगता है स्टार दिला देंगे सर? जी, अगर सर से बने रहे तो एक दिन जरूर। कै तारीख को एग्जाम है आपका? अभी है टाइम हमारे। कितना टाइम है? तो अभी 2 महीना। 2 महीना टाइम है अभी। आइए इन लोग ट्रेनर है उनसे बातें करते। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रोहित झा। कहाँ के रहने वाले हैं सर? इतने सारे स्टूडेंट लोग हैं आपके पास, बोल रहे हैं कि सर बहुत अच्छा ट्रेनिंग देते हैं, सर के साथ अगर जुड़ के रहें तो एक दिन सर स्टार दिला देंगे। ऐसा सर में क्या है कि सर स्टार दिला रही है, बताइए? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। अब इन बच्चे पर वो डिपेंड करता है कि वो कितना मेहनत करते हैं ग्राउंड पे, तो दौड़ेंगे यही, मैं तो दौड़ूंगा नहीं उनके साथ। बस मैं इनको बताता हूँ आपको किस टाइप से दौड़ना है और कितना मेहनत करना है, कैसे आपको हाई लगाना है, कैसे आपको लॉन्ग लगाना है, कैसे आपको शॉर्ट पुट लगाना है। मैं एक तरीका बताता हूँ और मैं सभी को अपना छोटा भाई तरह के मान के मैं उसको सिखाता हूँ, मैं ये करता हूँ और जोश दिलवाता हूँ ताकि वो आगे। कितने बच्चे हैं आपके पास?
लगभग 70+ बच्चे हैं मेरे पास। अच्छा सर, इतने बच्चे को ट्रेनिंग देते हैं, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट है या कुछ चार्ज है? नॉर्मल चार्ज है, कोई खास चार्ज नहीं है। क्या चार्ज है नॉर्मल? 2000 रुपया मैं चार्ज रखा हूँ इस बच्चे का। जो भी बच्चे मेरे पास फिजिकल करने के लिए आते हैं उसका चार्ज 2000 रुपया है। अगर उस 2000 रुपया में आप नहीं निकाल पाए, भर्ती कोई अगर नहीं निकला, तो फिर आप अगले बार भी ट्राई कर सकते हो मेरे यहाँ पर, मैं उसका चार्ज नहीं लेता हूँ। अच्छा सर, कुछ गरीब बच्चे भी होते हैं जिसके पास उतना पैसा नहीं हो पाता है कि वो पैसा देकर ट्रेनिंग कर सकते हैं, उस बच्चे के लिए क्या सुविधा? नहीं नहीं, ऐसे भी बच्चे मेरे पास हैं जो कुछ गरीब हैं, मैं उनसे फीस नहीं लेता हूँ, और जहाँ तक होता है मैं उनको सपोर्ट भी करता हूँ। एक दो बच्चे मेरे अकेडमी में ऐसे हैं जो अभी वो शायद प्रेजेंट नहीं है, कुछ बच्चे हैं जो गरीब बच्चे से मैं नहीं पैसा लेता हूँ, जहाँ तक मुझे लगता है कि मैं हेल्प करना चाहिए मैं हेल्प भी करता हूँ। अच्छा सर, एक क्वेश्चन, एक सवाल बताइए, बिहार पुलिस में पिछले बार के अपेक्षा लड़कियाँ बहुत ज़्यादा जाना चाहती है, बहुत ज़्यादा लड़कियों का शौक है कि हम प्रशासनिक सेवा में जाएँ और देश का सेवा करें, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में लड़कियाँ जो है वो लड़के के अपेक्षा आगे आ रहे हैं। अभी भी आपने देखा होगा, अभी कल का परसों का रिजल्ट में लड़कियां आगे आ रही है, हर जगह कहीं ना कहीं क्षेत्र में लड़कियां आगे आ रही है, और लड़की के प्रोत्साहन से देख के ही ऐसा फील होता है ना कि हर फील्ड में जो लड़की आगे जा रही है, तो बिहार पुलिस में, और मैं बिहार पुलिस का बात तो बीके मैं अभी दरोगा का बात कर रहा हूँ, दरोगा में भी बॉय के अपेक्षा लगभग लड़कियाँ हैं जो अच्छी मेहनत कर रही है और अच्छा रिजल्ट देंगे इस बार। तभी आपने सुना ये दरोगा फिजिकल का जो ट्रेनिंग दे रहे हैं वो ट्रेनर है, कुछ दरोगा फिजिकल के अभ्यर्थी में है जिनका कहना है कि हम लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं, सुबह में भी मेहनत करते हैं और शाम में भी करते हैं, सर पे पूरा भरोसा है कि सर इस बार स्टार दिला देंगे। एक ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो रेलवे में वॉचमैन, रेलवे में ग्रुप डी में नौकरी भी करते हैं, वो भी नौकरी छोड़ कर आए हैं, सर पे इतना भरोसा है इन लोग के। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ मेरे साथ जुड़े रहे, तब तक के लिए धन्यवाद।